उपदेश तो सुन लिया, ये भी समझ लिया कि चिंता बुरी वस्तु है, उसे मन में आने नहीं देना चाहिए। परंतु ये भी तो पता चले कि ऐसा करने का ढंग क्या है, मार्ग क्या है। पहले ये सोचो कि चिंता आती कहाँ से है। कोई भी कहाँ आता है, वहाँ आता है जहाँ स्थान खाली हो। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कहीं कोई उत्सव चल रहा हो, हॉल खचाखच भरा हो, बाहर का बरामदा भी भरा हो, कहीं तिल धरने का स्थान ना हो और बाहर से आ जाए कोई नया व्यक्ति, तो वह इसमें आएगा कैसे? इधर उधर देखेगा, स्थान नहीं हो तो बाहर खड़ा रहेगा, कुछ देर के बाद वापस ही चला जाएगा। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में, हृदय में, चित्त में और मन में परमात्मा का विश्वास, ईश्वर की भक्ति और आत्मा का सत्य ज्ञान पूरी तरह से हो तो चिंता आएगी कहाँ? आएगी अवश्य, बाहर से झांकेगी, टक्कर मारेगी और निराश होकर वापस चली जाएगी। स्थान ही नहीं तो बैठेगी किस प्रकार? मन, बुद्धि, चित्त और हृदय में सब जगह ईश्वर ही ईश्वर, उसका प्यार है, ये धारणा बन जाए कि वो जो करता है हमारे कल्याण के लिए करता है, तब बेचारी चिंता के लिए कहाँ स्थान बचता है। ये विश्वास एक बार हो जाए, अमीरी आती है, अच्छी बात है, आए। गरीबी बात आती है, अच्छी बात है, आए। बीमारी आती है, स्वास्थ्य आता है, आए। सब अच्छे हैं, बच्चे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं हुए तो भी अच्छी बात है। हर हाल में खुश रहो, क्योंकि खुशी का, आनंद का वह भंडार तुम्हारे अंदर बैठा है। भीतरी बात, गहरी बात, फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, जो फिकर की फांकी करे सो कहलावे फकीर।